देखिए हाई स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो प्रश्नावली 8.2 में आपका सवाल हमने लगभग बताए थे, लेकिन उसका एक सवाल तीसरा देखेगा। सवाल नंबर तीसरा दिया गया आपका 8.2 का है कि सवाल नंबर तीसरा दिया गया है कि 10 a + b बराबर √3 और 10 a - b बराबर 1/√3। तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो a और b के मान हमको निकालने पड़ेंगे, और a और b के मान कैसे निकालते हैं वो आप देखिए। करना कुछ नहीं है, हमने आपको बताया था कि वैल्यू कितने अंश की होती है। तो ये देखना है 10 में ये वैल्यू हमारी कितने अंश की होती है, 10 में ये वैल्यू कितने अंश की होती है, ठीक है ना। तो पहले इसको हम ले चलते हैं। तो पहले इसको ले लें कि 10 a + √3। और √3 वैल्यू 10 में कितनी होती है, ये वैल्यू 10 60 अंश की होती है। 10 हमारा हट गया दोनों तरफ से, तो a + b बराबर 60 अंश हमारा आ गया। ये बन गया पहला समीकरण। दूसरा दिया गया है 10 a - b बराबर 1/√3। अब ये देखना है कि ये 1/√3 वैल्यू 10 में कितने अंश की होती है, ये होती है 10 30 अंश। तो 10 a - b बराबर 30, 10 हट गया, a - b बराबर 30 अंश। दो, अब समीकरण 1 और 2 को कक्षा 8 की तरह से x और y के मान निकालते हैं, उसी प्रकार हम लोग a और b के मान निकालें। तो समीकरण 1 ये दिया है तो ये दिया है, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर 1 दिया है a + b बराबर 60 अंश, दूसरा दिया है a - b बराबर 30 अंश, तो कट गया 2a बराबर 90, a बराबर 90/2, a बराबर 45। एक का मान आ गया। अब एक का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट दिया है a + b बराबर 60, a का मान 45 प्लस b बराबर 60 ट्रांसफर किया जाए तो b बराबर 60 - 45 और b बराबर 15 अंश। तो कौन b का मान आ गया 15 अंश और कौन b का मान 15, कौन a का मान 45। तो यही वो कहता था कि इसका मान a और b के मान 0 से बड़े और 90 से छोटे होने चाहिए। तो आपका मान इस प्रकार से a और b के मान निकालने गए। तो ये आपका सवाल बहुत सरल था और सिंपल भी है। केवल समझना है कि 10 में ये √3 वैल्यू कितने अंश की होती है, उससे हमारा एक समीकरण बन जाएगा। और ये 10 में क्या की होती है, किसकी होती है, 10 हट गया, 1 और 2 को जोड़ दिया, b कट गया प्लस माइनस का, 2a बराबर 90, a बराबर भाग दिया 45 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट नंबर 1 से। 1 कहा हमारा ये वाला, 1 a का मान पुट कर दिया 45, ट्रांसफर किया माइनस करके आपका। तो ये आपका बहुत ही सरल है प्रश्नावली, ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन इसे बच्चे पढ़े तब ना, तो पढ़ने का प्रयास करिए। अब अगली प्रश्नावली के कुछ फार्मूले देखिएगा, इसमें हमें क्या करना है, कुछ हमारे फार्मूले हैं। तो पहली प्रश्नावली में कुछ हमारे फार्मूले हैं, तो वो आप देख लीजिए, इसका फिगर बनेगा। ये आपका 0
ये 90 अंश का हो गया, 90 180 हो गया, 270 हो गया और 360 का यहाँ हो गया। यानी इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट या प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश इसमें क्या होता है कि हमारे सभी धनात्मक होते हैं, सभी धनात्मक और पॉजिटिव। यानी इसमें जितने वाले आएंगे वो 90 माइनस थीटा वाले पहले क्वाड्रेंट में होंगे और 90 प्लस लग गया तो ये हमारे दूसरे में जाएंगे और दूसरे में 180 माइनस वाले भी रहेंगे और तीसरे में 180 प्लस वाले आएंगे। लेकिन यहाँ सिर्फ आपका जो प्रयोग हुआ है वो 90 माइनस थीटा का हुआ है। तो देख लें कि साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है। तो इसमें आपको देखना है कि साइन 90 माइनस थीटा का होता है कॉस थीटा, यानी बदल जाता है। इससे कुछ फार्मूले होते हैं आप देख लें कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा और कॉस 90 होता है साइन थीटा, टेन 90 होता है कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा और सेक 90 माइनस थीटा होता होता है कोसेक थीटा और कोसेक होता है आपका साइन थीटा। तो ध्यान दें आपको कि साइन 90 माइनस थीटा पहले में ना कॉस हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा का साइन थीटा हो जाएगा और टेन 90 माइनस का कॉट हो जाएगा, कॉट का टेन, सेक का कोसेक थीटा और कोसेक का हमारा सेक हो जाएगा। कुल बात ये मिला के हुई कि थीटा हमारा एंगल बदल सकता है। थीटा ए आ जाएगा, ए ले जाएगा, थीटा बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, सी आ जाएगा। एंगल आपका बदलता रहेगा लेकिन फार्मूले आपके वही रहेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस के बराबर साइन थीटा और टेन टेन 90 माइनस के बराबर कॉस थीटा। ये आपके नहीं बदलेंगे, केवल थीटा आपका बदलता रहेगा लेकिन साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट ये आपके सेम रहेंगे। तो अब आप इसे आराम से समझ लें और अगली जो हमारी प्रश्नावली आएगी उन्हीं फार्मूलों पर डिपेंड है, ओनली 90 माइनस वाले, 90 प्लस का यूज है नहीं, इसे नहीं करें। तो यह हुआ कि 90 माइनस वाले आपके सूत्र हैं और 90 प्लस वाले नहीं है, इनका चर्चा करना ही बेकार है। पहले थे लेकिन ये हमारे उसमें नहीं है आपके कोर्स में, तो ओनली ये सूत्र याद कर ले, 6 सूत्र हमारे हैं और उसके बाद सवाल लगाएंगे। तो आज इतना ही, धन्यवाद।